बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अब आप खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे, गुड होंगे, मज़े में होंगे। तो तमाम दोस्तों भाइयों को मेरी तरफ़ से बहुत बात के लिए मुबारक भी हो और गुड न्यूज़ भी आप लोगों के लिए। थंबनेल तो आप लोगों ने देख लिया होगा, तो उसके हवाले से मैंने आप लोगों को अपडेट करना था। मुझे भी आज ही पता चला है, ये न्यूज़ जो है वो कल की है, तो सऊदीया की तरफ से है। ठीक है, ख़ास तौर पर जो लोग यहाँ पे सऊदी अरेबिया में ड्राइविंग फील्ड में है, जो ठीक है, चाहे वो डोमेस्टिक हैं या चाहे किसी भी मतलब किसी कंपनी वगैरह में या ऑफिशियल ड्राइवर्स हैं, ये गुड न्यूज़ ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए है। क्योंकि आपको पता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से बहुत ज़्यादा मसले मसाइल देखने को आ रहे हैं आजकल। ठीक है, काफ़ी सारे लोगों के लाइसेंस नहीं बन रहे क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टक हुए हुए हैं लाइसेंस लोगों के, मतलब रश की वजह से, और कईयों को जो है ना वो अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही। तो इधर पीछे नहीं ध्यान करना आप लोगों ने, ठीक है, मेरी न्यूज़ की तरफ ध्यान करना है। तो इसलिए न्यूज़ जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम इम्पोर्टेड है, थंबनेल पे जैसा मैंने लिखा है, ठीक है, उसके हवाले से। तो बताना ये था आप लोगों को दोस्तों कि सऊदी हुकूमत ने अनाउंस किया है किसी भी मुल्क के, किसी भी कंट्री के कोई रहने वाले जो यहाँ पे जो मुल्की हैं, जो ड्राइवर हजरात हैं, ठीक है, लाइसेंस होल्डर्स हैं, आप अपने मुल्क अपनी कंट्री का, उनके पास अगर लाइसेंस है, वैलिड लाइसेंस है, तो वो यहाँ पर सऊदीया में उसको चला सकते हैं। जी हाँ, मेरे कहने का ये मतलब है कि आपके पास अगर आपके कंट्री का, अपने मुल्क का कोई भी लाइसेंस है, चाहे आप किसी भी मुल्क से बिलोंग करते हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं, इंडिया से हैं, किसी भी मुल्क से हैं आप, आपके पास अगर आपका वैलिड लाइसेंस है आपके मुल्क का, आपके कंट्री का, ठीक है, जो भी आप गाड़ी चलाते हैं उसके मुताबिक, उसी के आपका, चाहे आप कार ड्राइवर हैं तो कार के हवाले से, या फिर आपका बड़ी गाड़ी का मतलब हैवी ड्राइवर हैं तो हैवी ड्राइविंग का आपके पास लाइसेंस है, तो वो लाइसेंस आप यहाँ पर सऊदीया में चला सकते हैं। लेकिन दोस्तों उसकी वाहिद रीज़न एक और एक शर्त है, शर्त वो ये है कि सऊदी हुकूमत ने कहा है कि आपको वो लाइसेंस सिर्फ ओनली 3 मंथ्स के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, 3 महीनों के लिए। जी हाँ, 3 महीनों के लिए आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप नए आते हैं यहाँ पे सऊदी अरेबिया में, या फिर आपको लाइसेंस बनाने में कोई दिक्कत हो रही है, कोई मसला परेशानी हो रही है, तो आप 3 महीने तक वो लाइसेंस यूज़ कर सकते हैं। 3 महीने तक आपका वो लाइसेंस जो है वो यहाँ पर वैलिड कंसीडर किया जाएगा, ठीक है, उसके बाद आपको वो लाइसेंस अपना बनवाना पड़ेगा। लेकिन शर्त ये है कि वो आपका जो लाइसेंस है वो आपके किसी भी मुल्क से, जहाँ से भी आप आ रहे हैं, वहाँ से आपकी एजेंसी है जिससे वीज़ा लगवा रहे हैं, या जो भी कोई वैलिड एजेंसी है जो इंटरनेशनल लेवल पे, वो अप्रूव करे उसको, ठीक है, ऑथेंटिक तौर पे अप्रूव हो उस एजेंसी से, ठीक है, वो एजेंसी जो है वो जो रिकमेंडेड एजेंसी है आपकी, वो इसको अप्रूव करे, ठीक है, कि उसके एंड पे वो वैलिड है लाइसेंस, तो फिर आप उस लाइसेंस को ला सकते हैं और यहाँ पर 3 महीने तक मज़े से यूज़ कर सकते हैं। तो बताइए अगर कैसी लगी ये गुड न्यूज़। उधर पीछे नहीं देखना, उसको तो ये अच्छी नहीं लगी है ये गुड न्यूज़, क्योंकि वो तो ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है, ठीक है, और उसने यहाँ पे बनवा भी लिया है, तो इसलिए आपने नया बनवाना लाइसेंस, तो उससे पहले ये 3 महीने तक आप अपना अपने एरिया का, अपने इलाके का लाइसेंस यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये गुड न्यूज़ अच्छी लगी होगी, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।